जैसे जैसे देश और प्रदेश में कोरोना महामारी का खतरा फैल रहा है, उसी प्रकार एक बार फिर इस बीमारी से निपटने के लिए प्रार्थना जप पूजा पाठ का आयोजन शुरू हो गया है। जिस प्रकार पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाए थे, घंटी बजाना, दीपक जलाना, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ नैना देवी में भी इस कोरोना महामारी के कहर को समाप्त करने के लिए पुजारी वर्ग और मंदिर न्यास माँ दुर्गा से प्रार्थना करने में जुटा है। यहाँ पर कोरोना महामारी के निवारण हेतु संत चढ़ी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ, दुर्गा जप, शिव जप, गणेश वंदना, भैरव जप किया जा रहा है, ताकि इस महामारी से निजात मिले और माता के भक्त जो हैं उन्हें माता रानी शक्ति प्रदान करें, ताकि इस महामारी से लड़ सकें और एक बार फिर मानवता की विजय हो। कोरोना महामारी के खिलाफ हमारा देश और प्रदेश जंग जीत सके। चैत्र नवरात्रों के दौरान श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ में कोरोना महामारी से ताकि जो है निपटा जाए और ये जल्द से जल्दी ये महामारी खत्म हो, इसके लिए जप और पाठ का आयोजन जो स्थानीय पुजारी वर्ग है उनके सहयोग से मंदिर न्यास जो कर रहा है, ताकि विश्व में शांति हो, सुख शांति हो, सबको समृद्धि हो और खासकर में जो कोरोना महामारी चली हुई है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। जप और पाठ करते हुए ये पूरा ध्यान जो है मंदिर प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है, हमारे पुजारी वर्ग द्वारा रखा जा रहा है कि उचित दूरी बनाकर ही इस जप और पाठ का आयोजन किया जाए। सभी जो पुजारी वर्ग हैं, जो पाठी हैं, वो डिस्टेंस बना के और मास्क पहन के जो है इस जप और पाठ का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हवन हो, यज्ञ हो, वो सारी प्रक्रियाएं जो है कोरोना जो नियम है हमारे, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी अनुपालना करते हुए की जा रही है। असीं अज पंजाब तो माता श्री नैना देवी जी के अपने साथियों समेत मत्था टेकन लई आशीर्वाद लैन लई आए हैं। सानू बड़ी खुशी हुई भी इत्थे जिहड़े पुजारी ने वह सारे कोरोना महामारी तो बचाओ लई देश दी पूरी देश की एकता अखंडता वास्ते ते सुख शांति वास्ते पाठ कर रहे हैं, तो इस देख के साडा मन बड़ा खुश होया। असीं अरदास करते हैं माता दरबार के भी सारिया खुशियां देन, तो जिहड़े जिस तरह के खुले दर्शन जिस तरह पहले चलते थे उस तरह सारे खुले दर्शन होना, तो कोरोना महामारी तो देशवासियों का खड़ा छुटे। धन्यवाद जी।